में मुंबई बैठक में शामिल होंगे। बड़ी खबर है, दोपहर 1:45 पर बैठक के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम भी। सीएम हेमंत सोरेन भी मीटिंग के लिए मुंबई होंगे रवाना। आज और कल होगी इंडिया की बैठक। बैठक में सीटों के तालमेल और लोगों पर मंथन किया जाएगा। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि इस बैठक में नीतीश कुमार के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत कई बड़े नेता आज भी बैठक में मौजूद रहेंगे, यानी आज की बैठक में पहुंचेंगे। और बताया जा रहा है कि 2 दिनों तक ये मंथन किया जाएगा। ऐसे में तमाम नेताओं का जमावड़ा एक बार फिर लगने जा रहा है और ये इस बार मुंबई में होगा। और ऐसे में सारी तैयारियां हो चुकी हैं और आज सीएम नीतीश कुमार, सीएम हेमंत सोरेन दोनों पहुंचेंगे। उत्कर्ष हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, 1:45 का वक्त दिया गया है, मुख्यमंत्री रवाना होने वाले हैं। उधर खबर है कि सीएम भी पहुंचने वाले हैं, यानी झारखंड सीएम भी, हेमंत सोरेन भी। आज कुल मिलाकर ये कहा जाए कि मुंबई में बड़ा जमघट, बड़ा जमावड़ा लगने वाला है, लेकिन अभी हलचल पटना में क्या है? अब बिल्कुल संजय, देखिए आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करीब 1:45 में पटना से मुंबई के लिए रवाना होंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं सीएम हाउस के बाहर ही। करीब जो वक्त दिया गया है वो वक्त है 1:45 जब नीतीश कुमार पटना से मुंबई के लिए रवाना होंगे। देखिए ये बैठक इसलिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बैठक की शुरुआत पटना से हुई थी और जब पटना में शुरुआत हुई थी तो करीब 15 विपक्षी पार्टियाँ जो थीं वो एकजुट थीं, और जब दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई तो इस बैठक में करीब 23 से ज़्यादा पार्टियाँ थीं। और अब देखिए जो महाराष्ट्र में बैठक होनी है उसमें उससे भी ज़्यादा पार्टियों की बात सामने आ रही है कि जो पार्टियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। और ऐसे में नीतीश कुमार ने भी पहले कहा था कि ये शुरुआत है, अब धीरे धीरे जो पार्टियां हैं वो बढ़ती जाएंगी और विपक्ष जो है वो लगातार एकजुट होता जाएगा। और इसी के क्रम में जो शुरुआत पटना से हुई थी अब वो तीसरी बैठक जो है वो महाराष्ट्र में हो रही है और नीतीश कुमार आज ही निकलेंगे, मुंबई के लिए निकलेंगे। और साथ ही साथ झारखंड के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी, इसके अलावा अगर मुख्यमंत्रियों की अगर लिस्ट की बात की जाए तो कई राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो भी जाने वाले हैं। दिल्ली है, महाराष्ट्र, बिहार है, झारखंड है, पंजाब है, ऐसे कई राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं वो भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने जिसकी शुरुआत की थी, बिहार से शुरुआत की थी विपक्ष की बैठक की, विपक्ष को एकजुट करने की, अब वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। जो तमाम विपक्ष के जो नेता हैं वो एकजुट हो रहे हैं और आज जो बैठक होगी वो काफ़ी अहम इसलिए भी होगी क्योंकि इस बार इंडिया गठबंधन का लोगो जो है वो भी आम जनता के सामने आ जाएगा। और साथ ही साथ सीट शेयरिंग के मामले जो हैं उसको लेकर भी, जो पेज हुआ है इसको लेकर भी कई बातें सामने आ सकती है क्योंकि अगर बिहार की बात की जाए संजय तो 40 लोकसभा सीट हैं और ऐसे में जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के पास 16 सांसद हैं। अगर सीट शेयरिंग की बात की जाए तो अब यह भी देखा जाएगा कि जिनके पास सांसद पहले से पर्याप्त है, यानी कि 16 सांसद जेडीयू के हैं, तो इस बार क्या नीतीश कुमार को कितनी सीटें दी जाती है। और यह कई बातें जो हैं इस बार इस बैठक में चर्चा का विषय रहेगी। लेकिन नीतीश कुमार आज सुबह करीब दोपहर 1:45 में पटना से रवाना होंगे और मुंबई में बैठक में शामिल होंगे। संजय, बिल्कुल सही आपने कहा और आप हमारे साथ बन रही है। चंदन में हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त फोन लाइन पर। चंदन, क्या हालचाल है इस वक्त झारखंड रांची में सीएम हाउस में? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आज दोपहर बाद रांची से मुंबई के लिए रवाना होंगे और मुंबई में जो इंडिया अलायंस की बैठक हो रही है उसमें आज जो डिनर पॉलिटिक्स है उसमें भी शामिल होंगे और कल की बैठक में भी भाग लेंगे। खास करके झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं और अलाई पार्टनर के तौर पे झारखंड में फिलहाल 3 दल तो है लेकिन लेफ्ट भी यहाँ पे अब लोकसभा की सीटों में भागीदार बनना चाहता है। तो ऐसे कई सवाल हैं जिसको उस फोरम पे सुलझाने की कोशिश होगी। इसके साथ ही हाल के दिनों में जो सेंट्रल एजेंसियों का खास करके जो गतिविधियां रही है, चाहे वो ईडी की एक्टिविटी हो, मुख्यमंत्री को सम्मान देना हो, अधिकारियों को सम्मान देना हो, मंत्री मंत्री के यहाँ जो रेड हुई, ऐसे सभी परिस्थितियों पे उस फोरम पे चर्चा होगी और एक आम राय ये बनाने की कोशिश होगी उस फोरम पे कि जो सेंट्रल एजेंसियां गैर बीजेपी शासित राज्यों में काम कर रही है, जिस तरह से राज्य की सरकार के खिलाफ काम कर रही है, ऐसे में एक साझा नीति बने और उस नीति के तहत भी इंडिया अलायंस के बैनर तले उसके खिलाफ एक प्रतिरोध जताने की कोशिश हो। तो सीटों के साथ तालमेल के साथ साथ जो राज्य की पॉलिटिक्स है उस पॉलिटिक्स को नेशनल लेवल पे कैसे ले जाया जाए, इस पहलू पे भी चर्चा होनी है।
जी बिल्कुल, इस पहलू पर भी चर्चा होनी है। कुल मिलाकर जिस बात को लेकर अभी कहा जा रहा है कि ये गतिरोध है, वैसे हालात से कैसे निपटा जाए। उत्कर्ष, सीएम 1:45 पर रवाना होंगे, ये टाइम फिक्स बिल्कुल है क्योंकि उसके पहले रक्षाबंधन भी मनाने की तैयारी है। अब बिल्कुल संजय, देखिए जो वक्त है 1:45 वो पहले से निर्धारित कर दिया गया है। पहले ये प्रोग्राम कल का था, नीतीश कुमार कल ही जाने वाले थे लेकिन उनके कार्यक्रम में फिर बदल किया गया है। मुख्यमंत्री थोड़ी देर बाद पटना के इको पार्क जाएंगे जहां पर वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधेंगे और उसके बाद जो उनका तय कार्यक्रम है उसमें जाएंगे। हालांकि ये बातें भी सामने आ रही हैं कि नीतीश कुमार के साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद हो सकते हैं। वो दोनों जो व्यक्ति हैं वो साथ में यहाँ से मुंबई जाएंगे और इस बैठक में नीतीश कुमार की अहम भूमिका हमने पहले भी बताई है क्योंकि विपक्ष को एकजुट करने में एक बड़ी कह सकते हैं कि भूमिका है वो नीतीश कुमार की नज़र आई थी क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था जब राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल सब एक साथ पटना में थे क्योंकि उससे पहले अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच तनातनी जो थी वो दिल्ली में देखने को मिल रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार के कहने पर अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, साथ ही साथ अगर बात किया जाए बंगाल की तो बंगाल के मुख्यमंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री जो थे वो एक साथ आए थे और एक प्लेटफॉर्म पर आकर उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी को 24 में खत्म करना है। और देखिए जो बिल्कुल उत्कर्ष हमारे साथ बन रही है, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज रवाना होने वाले हैं मुंबई में, क्या इस वक्त हलचल है जरा वो भी समझते फिर मैं आपके पास आऊंगा। अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभिषेक अभी हलचल क्या वहां पर है, कौन कौन पहुंचा है, किन नेताओं का इंतजार किया जा रहा है और आज पूरे दिन भर जो प्रोग्राम है वो क्या होने वाला है? देखिए लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी परसों ही पहुँच चुके हैं। कल जिस तरीके से वो फारूक अब्दुल्ला पहुँचे हैं और उसके बाद 4:30 के आसपास ममता बनर्जी पहुँची हैं। सबसे पहले वो पहुँची हैं अमिताभ बच्चन के यहाँ, फिर उसके बाद वो उद्धव ठाकरे के घर पर जाकर के उनको राखी बांधी हैं। आज की बात करें तो आज सभी करीब करीब आ जाएंगे। शाम को 6 उम्मीद की जा रही है भगवंत मान, केजरीवाल, नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन पहुँचेंगे। 1 अखिलेश पहुँचेंगे। 12 के आसपास महबूबा मुफ्ती पहुँचेंगी। 11 मल्लिकार्जुन खड़गे पहुँचेंगे और 4 के आसपास राहुल गांधी और सोनिया गांधी पहुँचेंगे जो प्रमुख नेता हैं। इसके अलावा दूसरे नेताओं का आने का सिलसिला लगातार शुरू है लेकिन आज शाम को डिनर डिप्लोमेसी है। कहीं ना कहीं एक रणनीति तैयार की जाएगी कल की मीटिंग के लिए और कल की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज एक नया लोगो लॉन्चिंग की भी इन लोगों की प्लानिंग है कि इंडिया का नया लोगो लॉन्च किया जाएगा और उसी लोगों के साथ एकता दिखाते हुए जुड़ेगा भारत और बनेगा भारत, इस तरीके की जो इनकी थीम है उसको लेकर के ये लोग आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल अभिषेक, धन्यवाद इस पर तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर यह कि जुड़ेगा भारत, बनेगा भारत और एकता दिखाने की कोशिश की जाएगी। उत्कर्ष, जिस लोगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कह रही है कि एक बात बताइए, सारी पार्टियों का क्या विलय होने जा रहा है? अब तक किसी भी अलायंस में इस तरीके से देखा नहीं गया, सभी एक साथ होते, एक नाम दिया जाता लेकिन लोगो झंडा तैयार करना, इसको लेकर क्या जानकारी? वाकई में ये खबर पुख्ता है और चूंकि शाम को डिनर डिप्लोमेसी भी होने वाली है, नीतीश कुमार भी पहुंचेंगे, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, बड़े चेहरे भी पहुंचेंगे, पार्टी के अध्यक्ष भी पहुंचेंगे, तो क्या कुल मिलाकर ये मंथन अगर सफल होता है तो बिहार के हिस्से से एक बड़ी खुशखबरी आ सकती है बड़े चेहरे के तौर पर? बिल्कुल संजय, देखिए बिहार से जो शुरुआत हुई थी विपक्ष की बैठक की वो अब मुंबई में काफ़ी कह सकते हैं कि अलग रूप लेते हुए नज़र आएगा क्योंकि आज जब डिनर डिप्लोमेसी की में बैठक होगी, डिनर डिप्लोमेसी होगी और वहां पर तमाम नेता जो होंगे वो मौजूद होंगे, मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में ये होना है। हालाँकि अगर लोगों की बात की जाए, लोगों को अनवील करने की बात की जाए तो ये बातें सामने आ रही हैं कि कल करीब 11:30 से 1:30 के बीच जो बैठक होगी उस बीच ये बातें सामने आ जाएंगी कि जो लोगो है वो किस तरीके का होगा और कल ये माना जा रहा है कि लोगो जो है वो अनवील कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन के विपक्ष की बात की जाए यानी एनडीए की बात की जाए तो एनडीए लगातार ये कह रहा था कि ये लोगों की दिल नहीं मिल पा रहे हैं, दल जरूर मिल रहा है लेकिन अब दिल और दल दोनों मिलते नजर आ रहे हैं क्योंकि एक तरफ जहां तमाम पार्टियां एक गठबंधन के अंदर आ गई, इंडिया गठबंधन बन गया, तो दूसरी तरफ अब एक लोगो और उसी लोगो के सहारे तमाम लोकसभा चुनाव जो इस बार होने हैं उसमें लोग लड़ेंगे और एक सीट पर एक उम्मीदवार होगा। यानी कि अगर एनडीए गठबंधन का एक उम्मीदवार है तो इंडिया गठबंधन
महागठबंधन का एक ही उम्मीदवार होगा और उनको तमाम पार्टियां जो है वो सपोर्ट करेंगी। पहली बार ऐसा नजर आ रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ इतना ज्यादा जो आक्रोश है वो इस गठबंधन का नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम पार्टियां जब एक साथ हो रही हैं तो ये भी तय है कि बीजेपी को हराने में इंडिया गठबंधन कोई कसर नहीं छोड़ने वाला। और इसकी शुरुआत सही कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है, देखिए आक्रोश इन पार्टियों का जरूर दिख रहा, लेकिन ये पार्टियां भी यूनाइट हो जाएं इसको लेकर संशय बना हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार और तमाम बड़े नेता कह चुके हैं कि अभी बहुत सारे ऐसे दल हैं जो आएंगे या कुछ जाएंगे भी, क्या ये संभावना भी है, इसको लेकर भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में बिल्कुल स्थिति साफ हो जाए। लेकिन आज ये मीटिंग होने जा रही है और आज पहला दिन होगा, कल भी मीटिंग होगी। धन्यवाद इस पूरी तमाम जानकारी के लिए।